today we are going to talk about the guidelines for record keeping. record keeping is one of a very essential and important process in therapy because if we are not going to keep the record of everything, it's, it is going to create trouble for us. apa provides guidelines designed to educate psychologists and provide a framework for making decisions regarding professional record keeping. this record keeping is not just a simple paper pencil record keeping but it has certain professional ways which are being used and designed by apa and it need to be fulfilled by the therapist psychologists should be familiar with legal and ethical requirements for record keeping in their specific professional context and in their specific jurisdiction because harjika pur different rules use or or hame apne clients data different jugopapavide provide ethical वेज में उनको डाटा देना होता है हम जस्ट उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किए बगैर रेंडमली उनके नाम उनके नंबर और उनकी डिटेल्स नहीं दे सकते सो हाउ वी आर गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड एंड हाउ वी आर गोइंग टू गिव इट टू अदर पीपल दिस इज बींग यू नो एजुकेटेड बाई ए पी ए कि इसको हमने इस प्रोसेस को हमने कैसे करना है रिकॉर्ड्स बेनिफिट्स बोथ द क्लाइंट एंड द साइकोलॉजिस्ट टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्लान सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द क्लाइंट प्रोग्रेस अब हर एक विजिट का प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं तो वी कैन हैव द बेस लाइन डाटा वी कैन हैव द डाटा ड्यूरिंग द प्रोग्रेस एंड वी कैन हैव द फाइनल डाटा और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और अब हम किस जगह पर खड़े हैं द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिकॉर्ड विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द परपज सेटिंग एंड कॉन्टेक्सट ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज अब हम किस तरह का रिकॉर्ड रख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की साइकोलॉजिकल सर्विस दे रहे हैं समटाइम्स वी नीड टू प्रोबली हैव अ वीडियो रिकॉर्ड ऑफ एवरी थिंग विच वी हैव डन समाइम्स वी नीड टू हैव दस्ट यू नो नीड नीड टू कीप द नंबर्स विद असम्स वी नीड टू कीप समिंग एल्स सो इट डिपेंड्स कि हम किस चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हम किस तरह का रिकॉर्ड रखेंगे द रिकॉर्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसिज मे इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री काइंड अगर हम इसको ब्रॉडर कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं तो तीन तरह की इंफॉमेशन है जो हमें लेनी होती है इन्फॉमेशन इन द क्लाइंट्स लाइफ दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट आइडेंटिफाइंग डाटा दैट इज नेम विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कोडल आईडी, डी कॉन्टैक्ट इन्फॉमेशन फोन नंबर एड्रेसिज फीस एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन गोइंग टू पे फॉर द थेरेपी गार्डियनशिप स्टेटस वेयर अप्रोप्रिएट या फिर पेरेंट्स वेर दर्क द नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इन हाउस इन थिंगस लाइक दैट डॉक्योमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट और आ, आप उसकी डिटेल्स के एस विच इज असेंट ऑफ द ट्रीटमेंट के आपने उसकी परमिशन ली है या नहीं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेवर ऑफ कॉन्फिडेंस ऑथोराइजेशन ये वो टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ चुकी हैं लेकिन इनकी एप्लीकेशन अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये कागज़ हमारे पास मौजूद होने चाहिए दैन प्रजेंटिंग कम्प्लेंस एंड डायग्नोसिस का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है प्लान फॉर सर्विस जो आपने इनिशियल बनाया बाद में मॉडिफाई किया और इम्प्लीमेंट किया इसकी डिटेल्स होनी चाहिए हेल्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री होनी चाहिए कोई एलर्जीज तो नहीं है उसके माइल स्टोन्स कैसे थे एंड थिंग्स लाइक दैट और कंसेंट फॉर रिलीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन के किन सिचुएशन में आप उस क्लाइंट की कौन सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉमेशन को किस अथॉरिटी को रिवील कर सकते हैं इवन दिस कुड बी डॉक्यूमेंटेड फॉर ईच सब्सटैंसिव कॉन्टैक्ट विद अ क्लाइंट डेट ऑफ सर्विस एंड ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन कितनी दफ़ा आप मिले आपकी थेरेपी के कितने सेशनस हुए और वो कितनी ड्यूरेशन के थे दैट नीड टू बी रेकडेड बिकॉज ये सब चीजें किसी भी सिचुएशन में जब कोई प्रॉब्लम uh, आ जाती है बाजूक या कोई इशू आ जाता है तो वहाँ पर आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए टाइप ऑफ सर्विस कंसल्टे असमेंट ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग वट एवर इज़ बी गिवन टू द क्लाइंट नेचर ऑफ प्रोफेशनल इंटरवेंशन एंड कॉन्टैक्ट फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ क्या फॉलो हो रही थी कोई रेफरल हुआ था या नहीं हुआ था आपने साइकोलॉजिस्ट ने कोई साइकेट्रिक को रेफ़र किया था या नहीं किया था कोई मेडिकेशन एडवाइज़ हुई थी या नहीं हुई थी फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट स्टेटस एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हम फिर भी उसका जितना भी हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टेटस पता होता है वो हम उसकी असेसमेंट का उसमें बताते हैं बिगिनिंग में ग्रेजुअली वो डेवलप होता जाता है क्योंकि जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम भी आता है तो एट टाइम्स वो पिछले किसी थेरेपिस्ट को दिखा के आया होता है और उसके पास कुछ असेसमेंट रैकड होते हैं द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग अदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज क्लाइंट रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू प्रोफेशनल इंटरवेंशन यानी आपकी थेरेपी का वो रिस्पॉन्स क्या देता रहा है करंट रिस्क फैक्टर इन रिलेशन टू डेंजर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स क्या वो कोई हार्मफुल क्लाइंट तो नहीं है अदर ट्रीटमेंट सच एज़ मेडिकेशन कोई उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड है या करंट है उसको लिखना एंड एमरजेंसी इंटरवेंशन फॉर एग्जांपल स्पेशल सेशंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ दे हैज बीन इन द पास्ट और इफ़ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फ्यूचर सो दे नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड इन रेकर्ड दैन प्लान फॉर फ्यूचर इंटरवेंशन आप क्या इंटरवेंशन करना चाहेंगे फ्यूचर में आप उसको किस तरह की ट्रीटमेंट uh, इंटरवेंशन देने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल क्लाइंट इंटरेक्शन यानी आपका उसके साथ जो इंटरेक्शन है उसकी रेपो बिल्डिंग है उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी आपने क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन देना है कि वो आपको कैसी लग रही है दैन प्रोग्नोसिस वट इज बीग एक्सपेक्टेड बाय द थेरापिस्ट टूवर्ड्स द क्लाइंट एंड देन असमेंट और समरी डाटा दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये सब चीज़ों का डाटा और रेकॉड होना भी इंतहाई जरूरी है एंड दैन कंसल्टे विद और रेफर प्रोफेशनल्स और अगर पहले वो किन से कंसल्ट करके आता रहा है और अब फ्यूचर में आप उन्हें क्या कंसल्टेशन जो है वो रिकमेंड करना पॉसिबल uh, समझ सकते हैं सो ऑल दीज थ्री काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड दे शुड बी कैप्टन टू द रेकेड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट एनी केस दे मे बी आस्ट बाई प्रॉबेबली कोर्ट बाई द लॉ मे बी द गार्डियंस और द पेरेंट्स और कहीं से भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है स्पेशली इन those situations where any problem occurs so it's very important to have the record or usko properly uh, record filing karke rakna is an ethical responsibility of the therapist